कोरिया जिले के चर्चा कॉलोनी में कार के दौरान आंख में चोट लग जाने की वजह से एक श्रमिक पूरी तरह नेत्रहीन हो गया। कर्मचारी का इलाज रायपुर व बाहर कई जगहों में कराया गया किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। श्रमिक पूरी तरह अंधा हो गया है। श्रमिक के द्वारा चर्चा कॉलोनी प्रबंधन के समक्ष आवेदन कर मेडिकल जांच का निवेदन किया गया किंतु प्रबंधन द्वारा सहयोग नहीं किया गया। जिला मेडिकल बोर्ड कोरिया के द्वारा 100% नेत्रहीन का प्रमाण पत्र भी श्रमिक को दिया गया है किंतु उस प्रमाण पत्र को प्रबंधन द्वारा मान्य नहीं किया जा रहा है। पूरी तरह आंख से अंधा होने के कारण कर्मचारी ड्यूटी नहीं कर सकता और वह दाने दाने को मोहताज हो गया है, जिस पर नीरज गुप्ता नामक समाज सेवी ने सहयोग करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी। न्यायालय द्वारा पहले 4 महीने के अंदर मेडिकल जांच कर सभी औपचारिकताएं पूरा करने का आदेश दिया गया था किंतु उस आदेश का भी पालन SSCL प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया। उसके बाद नीरज गुप्ता ने रिपिटिशन लगाया जिस पर न्यायालय ने कड़े शब्दों का उल्लेख करते हुए 2 महीने की अवधि में मेडिकल जांच व औपचारिकता पूरा करने का आदेश दिया है। साथ ही कोल इंडिया के चेयरमैन को भी स्वयं इस मामले को देखने हेतु निर्देशित किया है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि SSCL प्रबंधन अपने 100% नेत्रहीन श्रमिक को भी अंधा साबित नहीं कर रहा है। गरीब मजदूर दाने दाने को मोहताज हो गया है, जिस पर मैंने और माजिद अली अधिवक्ता के द्वारा सहयोग किया गया और हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर छत्तीसगढ़ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने SSCL पर 25,000 का जुर्माना लगाया और साथ ही 1 महीने के अंदर मेडिकल जांच व समस्त औपचारिकता पूरी करने का आदेश दिया।